गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सागर यादव अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये बात, थैंक यू वेरी मच मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों ने उसको देखा, उसमें कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताते रहिए किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए। जी हाँ गाइस, तो आज शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिसकी मोस्टली नीड हमें सभी को रहती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फैट कटर के बारे में। फैट कटर बेसिकली हमें इतना ज़रूरी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी का नीचे का पार्ट बेली फैट बढ़ जाता है, ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ जाती है, लोग फास्ट फूड खाते रहते हैं या अदर डाइट की वजह से जैसे भी फैट बढ़ता है, उसके लिए एक ब्रेकअप पॉइंट होना चाहिए। जो हमारी बॉडी नॉर्मली उसको फटीक नहीं कर पाती है, उस वे में हमें जाके फैट कटर की ज़रूरत होती है। तो हम सप्लीमेंट शॉप से जितने भी फैट कटर खरीदते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपए हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट क्या, हम उनको थाउजेंड्स ऑफ रुपए स्पेंड करते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। उसमें 60 से 70 पिल्स मिलते हैं और उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन होता है कितने एमजी का है, क्या एमजी का है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको उतने ही एमजी प्रोडक्ट मिल रहा है। क्योंकि इंडिया में जो भी फिटनेस इंडस्ट्रीज़ है उन पर अभी ऐसा कोई रूल एक्ट लागू नहीं हुआ है कि उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होती हो कि उसमें अगर 500 एमजी की आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, 500 एमजी कोई भी प्रोडक्ट डाल रखा है तो वो 500 एमजी ही है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और प्योर है या नहीं है। जैसे कि इंडिया में सप्लीमेंट मार्केट में जितना फेक चल रहा है प्रोडक्ट की श्योरिटी भी नहीं है फेक है या नहीं है। तो आज हम जो फैट कटर का डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे केमिस्ट की शॉप से। केमिस्ट की जो भी हमारे इंडिया में जो भी लॉज है, केमिस्ट को मेडिसिंस को लेके जितने भी मेडिसिंस बनी हुई है उन पे सारे एक्ट लागू होते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से जांच होती है। अगर उस पे 500 एमजी की डोजेज लिखी हुई है तो आपको 500 एमजी ही मिलेगा प्रॉपर। तो इस बात को लेके मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ फैट कटर। आपने नाम तो सुना ही होगा, एल कार्निटाइन। जी हाँ, एल कार्निटाइन बहुत से लोग जानते भी होंगे, इसको फैट कटर के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अदर भी यूजेज है, आज हम जानते हैं अपने वे में फैट कटर के लिए इसके क्या यूज़ है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसकी कितनी डोजेज चाहिए और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। एल कार्निटाइन बेसिकली हमारी बॉडी में भी जनरेट होता है लेकिन वो उतने लेवल पे जनरेट नहीं हो पाता है कि हमारी बॉडी उसको एज ए फैट कटर यूज़ करने लग जाए। ये जब बेसिकली हमें रेड मीट से, सोया से, पनीर से मिलता है, लेकिन जब एक लेवल को ब्रीक करके हमें फैट को बर्न करने के लिए हमें एल कार्निटाइन चाहिए तो हम इसकी सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। और उस सप्लीमेंट्स में मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एल कार्निटाइन, जो कि हमें केमिस्ट की शॉप से मिलता है। दोस्तों ये है कार्निक्यू, कार्निक्यू के नाम से आता है। इसकी दो फॉर्म भी होते हैं, आई कार्निक्यू और एल कार्निक्यू। ये मेरे पास है कार्निक्यू, एल कार्निक्यू। इसमें एल कार्निटाइन 500 एमजी है और जिन भी है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, ये मात्र 300 रुपए का है, ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं है। इसमें 10 पिल्स आते हैं, आप डेली एक एक पिल्स यूज कर सकते हैं। आप कोई भी फैट कटर मार्केट से उठाओगे 2500 से 3000 के बीच में मिलता है, जो कि इफेक्टिव होता है, जिस पे आप टेस्ट भी नहीं कर पाते। मोस्टली लोगों को ये कहना होता है कि ये टेस्टेबल नहीं है, ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कार्निक्यू अपने केमिस्ट की शॉप पे जाइए और वहाँ से लीजिए और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी यूज़ कैसे करना है। इसको हमें पोस्ट मील भी यूज़ कर सकते हैं, प्री मील भी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर मील भी आप जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे प्री वर्कआउट से पहले, जब भी आप इसे लेते हैं आफ्टर वर्कआउट से पहले लीजिए, आधा घंटा पहले लीजिए, 20 मिनट पहले लीजिए, ताकि जब ये आपकी बॉडी में एंटर होता है तो अमीनो एसिड की ब्रांच के फॉर्म में काम करता है। जब अमीनो एसिड को रिफॉर्म करता है आपकी बॉडी में तो वहाँ पर जो बैली फैट के आसपास जो भी फैट जमा होती है, एक्स्ट्रा फैट जमा होती है, जिसे सिंथेसिस एसिड फैट बोलते हैं, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा घी खाने से या फास्ट फूड खाने से जो भी फैट जमा होती है वो फ्यूचर प्रोसेस के लिए स्टोर हो जाती है। तो जब हम कार्निक्यू का यूज़ करते हैं तो ये फैट टिश्यूज़ को तोड़ता है और वहाँ से जो एनर्जी जाती है उसको सेल्स के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करता है। जी हाँ, सेल्स में जो सेल्स का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें एनर्जी को स्टोर करता है और ये एनर्जी हमें तब यूटिलाइज होती है जब हम वर्कआउट करते हैं। जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी होती है उसको एट द टाइम मसल्स को फॉर्म करता है, मसल्स को थ्रू करता है। अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी एज इट इज़ वेस्टेज चली जाती है। तो गाइस ये ध्यान रखना, जब भी हम कार्निक्यू खा रहे हैं तो हमें थोड़ा ना बहुत वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं फैट कटिंग की। जब ये फैट कटिंग प्रोसेस होता है तो ये दूसरे फैट कटर की तरह काम नहीं करता, क्योंकि दूसरे जो फैट कटर होते हैं वो डायरेक्ट आपकी
फैट को टिश्यूज़ को तोड़ते हैं, और जैसे जैसे आप सभी जानते हैं जब फैट का टिश्यूज टूटता है जब हम डाइटिंग पे होते हैं तो कार्ब बॉडी में नहीं जाता और फैट कटती है, तो उसके साथ साथ हमारी मसल स्लोस भी हो जाती है। इस कार्निक्यूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्टोरेड फैट में से एनर्जी लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भेजता है, और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को डायरेक्ट पूरी बॉडी में, पूरे सेल्स में, पूरे टिश्यूज में भेजता है। तब जाके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो फैट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और हमारा जो मसल साइज होता है, एक्चुअल जो मसल साइज होता है, वो भी एज इट इज उसी फॉर्म में रहता है। तो मैं इसलिए अदर फैट कटर के बजाय आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कार्निक्यूल लीजिए। इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप अगर बिगनर है तो 500 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप मीडियम में हैं तो 1000 से 1500 mg तक इसकी डोजेज जा सकती है। गाइस, इससे ज़्यादा की डोज पे मत जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा की डोज बॉडी में एल-कार्निटाइन के एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा अगर लेवल पे हो जाता है तो हल्के से माइनर साइड इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे सर दर्द आ जाता है या फिर पेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसकी लिमिटेड डोज रखिए और वर्कआउट को जारी रखिए। दूसरा ये होता है कि जब भी हम फैट कटर प्रोसेस पे होते हैं तो हमारी मसल मेन मोटिव होता है हमारी मसल्स को स्टोर करके रखना। अगर हमारी मसल्स स्टोर नहीं रहेगी, मसल्स भी फैट के साथ लूज हो जाएगी, तो फिर उस कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप जाइए केमिस्ट्री शॉप से, अपने कार्निक्यूल को लीजिए, और 100% ये सेफ है और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। अगर इसमें 500 mg का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो इसमें 500 mg ही है, आप निश्चिंत होकर इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस टॉपिक पे दूसरी वीडियोस चाहिए है, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।